हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर फिफ्टीन ऑफ मे 2023 15 मई 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि लाइक ज़रूर करिएगा है ना वन पर्सन वन लाइक जितने भी लोग आप देख रहे हैं एटलीस्ट उतने तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड uh, इतना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ पहला सवाल है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट पहला स्टेटमेंट कह रहा है एब्सोल्यूट वीटो इज एक्सरसाइज बाय द एक्सरसाइज फॉर गवर्नमेंट बिल्स एंड नॉट फॉर द प्राइवेट मेंबर्स बिल सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तीसरा कह रहा है प्रेसिडेंट डज नॉट पजे सस्पेंसिव वीटो इन केस ऑफ मनी बिल तो आपको बताने कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक है ना तो देखो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल गलत हो जाएगा पहला स्टेटमेंट गलत क्यों हो जाएगा क्योंकि जो प्रेसिडेंट का वीटो होता है वो गवर्नमेंट बिल के लिए भी हो सकता है और प्राइवेट मेंबर बिल के लिए भी हो सकता है प्राइवेट मेंबर बिल का मतलब क्या होता है कि ऐसा बिल किसी ऐसे व्यक्ति ने लाया हो जो कि मिनिस्टर नहीं है उसी को प्राइवेट मेंबर बोलते हैं ठीक है ना अब आप सोच रहे हो सर गवर्नमेंट बिल को कैसे मतलब एब्सोल्यूट वीटो से रिजेक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट तो क्या होता है कई बार आउट जो गवर्नमेंट रहती है ना वो चली जाती है और नई गवर्नमेंट आ जाती है तो नई गवर्नमेंट पुरानी गवर्नमेंट के बिल्स को एब्सोल्यूट वीटो के माध्यम से थ्रैश करवा देती है प्रेसिडेंट से तो इस तरीके से वो हो जाता है तो पहला स्टेटमेंगे होते हैं, आंसर क्या हो जाएगा टू तो तो आप आप देख सकते हैं बाकी आप पढ़ लीजिएगा सही है 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 ठीक ना आ, दूसरा सवाल जो है, वो है, अब आपको कि के में देखो कौन-कौन होता है। तो इसमें हमको सिंपल पता है कि वाइस प्रेसिडेंट का जब इलेक्टोरल बात करते हैं तो उसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड के आते हैं स्टेट असेंबली के कोई नहीं आते तो इसमें तीसरा स्टेटमेंट हट जाएगा इलेक्टेड असेंबली पहला और दूसरा आ जाएगा तो वन एंड टू विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस तीसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर कंडीशंस प्रेसिडेंट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी तो आपको बताना है सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए तो ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे आसान होते हैं पहला लिखा है द फंक्शनिंग ऑफ अ मोरल ऑर्डर इन सोसाइटी अवॉइडेंस ऑफ टेरनी ऑफ मेजोरिटी ओवर माइनॉरिटी प्रेजेंस ऑफ एन अपोजिशन इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक कंसाइंस है ना तो ये आपको बताना है कि कौन कौन से इसमें चाहिए फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी एंड आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस आंसर करिएगा और बताइएगा कि आपने कितने सही किए ठीक है ना आगे मूव करते हैं देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। पहली जो न्यूज है वो है रिगार्डिंग रिसेंट रिसर्च विच हैज़ बिन पब्लिश जिसमें कि ये बैट्स की जो बैट होते हैं ना चमगादड़, उनकी एक रिमार्केबल एबिलिटी के बारे में पता चला है uh, कि दैट बैट्स आर एबल टू होस्ट वायरसेस विदाउट एक्सपीरियंसिंग सिग्निफिकेट इलनेस मतलब कि जो बैट्स होते हैं वो वायरसेस को होस्ट कर सकते हैं विदाउट बींग इल मतलब बिना इल हुए बिना बीमार हुए अब ऐसा कैसे हो सकता है तो ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ ए स्पेसिफिक बैट प्रोटीन बैट्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं ए एस सी टू ए एस सी टू होता है नाम का एक प्रोटीन विच इज देयर कॉम्बैटिंग द इनफ्लेमेटरी डिसीजेज एंड एड्रेसिंग द एज रिलेटेड फंक्शनल डिक्लाइन है ना तो याद रखेगा इट इज़ अ प्रोटीन विच कॉम्बैट द इनफ्लेमेटरी डिसीजेज है ना याद रखेगा एंड इन जो ह्यूमस है उसमें एड्रेस करता है ये एज रिलेटेड फंक्शनल डिक्लाइन ठीक है ना एज रिलेटेड फंक्शनल डिक्लाइन को uh, मतलब वो करता है एड्रेस करता है ए एस सी टू याद रखेगा दिस इज द नेम ऑफ द प्रोटीन अगली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग अ रेलवे स्टेशन जिसका नाम है परला खेमुंडी रेलवे स्टेशन अब ये परला खेमुंडी रेलवे स्टेशन कहाँ पर है तो इट इज़ इन द गजपति डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा अब ये क्यों न्यूज में था क्योंकि कल इंडियन रेलवेज ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की मतलब स्टार्ट करने के लिए कहा है विच विल बी टू रिनोवेट दिस परला खेमुंडी रेलवे स्टेशन दिस इज अ वेरी ओल्ड रेलवे स्टेशन उड़ीसा के गजपति डिस्ट्रिक्ट में आई थिंक ये वहाँ का पहला रेलवे स्टेशन था एंड वन ट्वेंटी ओल्ड है एंड uh, यहाँ पे कुछ लोग इसके लिए भी बोल रहे हैं कि इसको एक हेरिटेज साइट के रूप में प्रिजर्व uh, करके रखा जाए पर लखे मुंडी को तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर आई होप यू विल गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आगे देख लेते हैं अमिड क्राइसिस मणिपुर सीएम फोर uh, कैबिनेट कलीग्स स्टेट बीजेपी चीफ रस्ट डेली अब ये तब तो तीजें चल, चल रही हैं मनीपुर में इशू चल रहा है आप सबको पता है मनीपुर के इशू तो हमने डिस्कस किया था कि मीतीज और कूकी ट्राइब के बीच में क्या इशू चल रहा है आज हम थोड़ा सा आ, दूसरे एस्पेक्ट्स देख लेते हैं जैसे कि मनीपुर के आ, जो नेशनल पार्क हैं उसके बारे में तो मनीपुर का नेशनल पार्क आप सबको पता होगा कीबुल लमजाओ जो कि की, कीबुल लमजाओ है आ, कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क बोलते हैं इसको एंड यहाँ पर आपको फुमडीज़ के बारे में पता होगा फुमडीज़ रहती हैं मतलब जो फ्लोटिंग वेजिटेशन है डांसिंग डियर आपको यहाँ मिल जाएगा आ, है ना डांसिंग डियर बोलते हैं उसको हम संगाए बोलते हैं शायद तो आप देख लीजिएगा कुछ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ भी हैं जैसे बनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जूको वैली है जीरी मकरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कैलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है शिरॉय कम्युनिटी फॉरेस्ट है जीलाड लेक सेंचुरी है ये कुछ यहाँ पर वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं एक और चीज आपको बता दूं मैं एक चीज है यहाँ की रामसर साइड तो आप रामसर साइड देखेंगे तो मणिपुर की केवल एक है लोकटक लेक Uh, मिजोरम की भी केवल एक है पाला वेटलैंड बोलते हैं तो पाला याद रखेगा मिजोरम की उड़ीसा का भी मैं आपको बता दूं चूंकि आज मैंने उड़ीसा का भी तो नाम लिया ही था ना तो उड़ीसा में देखो अनशुपा लेक हो गई उड़ीसा में भितरकणिका मैनग्रूवस हो गए उड़ीसा में चिलिका लेक हो गई उड़ीसा में हीराकुड कु रिजर्वर हो गया उड़ीसा में सतकोशिया गॉर्ज हो गया उड़ीसा में तांपारा लेक हो गई तो ये सारे उड़ीसा के कौन कौन से अनशुपा लेक भितरकणिका मैनग्रुव उड़ीसा की चिलिका लेक हीरा कु रिजर्वर सतकोशिया गोर्ज तमपारा लेक ये हो गए पंजाब के भी एक दो देखे दिख दिख रहे हैं पंजाब में ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब में हरिके लेक है पंजाब में कंजली लेक है और पंजाब में केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व है तो ये मैंने आपको चार स्टेट्स के बता दिए मणिपुर मिजोरम उड़ीसा एंड पंजाब के मैंने आपको बता दिए रामसर साइड्स रामसर साइट पचहत्तर हैं ऐसे ही कर करके अपन याद कर लेंगे ठीक है ना तो कोशिश करते रहेंगे आ, अगली जो न्यूज़ है वो है देखो बेल ऑर्डर शुड नॉट बी टू लॉन्ग टू कम टू लेट एज बोथ वायलेट द पर्सनल लिबर्टी है ना तो बेल ऑर्डर्स के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़्यादा उसमें समय नहीं लगना चाहिए और बेल भी लोगों को एक तरीके से मतलब जो अंदर है जेल के उनके लिए बेल बहुत बड़ा एक रिलीफ होता है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेल के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लें इंडिया में तो सीआरपीसी जो है यानी कोड ऑफ क्रिमिनल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो डिफाइन नहीं करता है बेल को बट कैटेगराइज करता है ऑफेंसेस को अंडर टू ऑफेंसेस है ना तो ये बेल को डिफाइन नहीं करता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लेकिन दो तरीके से बताता है ऑफेंसेस को एक है बेलेबल ऑफेंस दूसरा है नॉन बेलेबल ऑफेंस तो जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वहाँ पर सी पावर देता है मजिस्ट्रेट को टू ग्रांट बेल एज अ मैटर ऑफ राइट तो वहां पर बेल जो होती है वो मैटर ऑफ राइट रहता है उसमें बस आपको एक श्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ता है विद और विदाउट श्योरिटी आप वहां पर बेल बॉन्ड फर्निश कर दो तो आपको मिल जाता है ठीक है ना लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेज होते हैं तो मजिस्ट्रेट वहां पर फिर डिटरमाइन करता है कि क्या एक्यूज टू फिट है टू बी रिलीज फॉर बेल है ना तो ये सारी चीज़ें चेक करता है उसके बाद वो बेल देता है या नहीं देता है ठीक है ना एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेज जो होते हैं दे आर कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंसेज आर कॉग्निजेबल विच इनेबल्स द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में जो जो टी आई है जो एस एच ओ है वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वॉरेंट लेकिन जो बेलेबल ऑफेंसेज है वहाँ पर फिर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है जैसा वो ऑर्डर देता है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है ठीक है ना तो याद रखिएगा आई होप यू विल रिमेंबर दैट ठीक है well. okay? अब एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं यहाँ पे क्वेश्चन आया था सिविल सर्विस में विद रेफरेंस टू इंडिया पहला जुडिशियल कस्टडी मीन एन अक्यूज इन द कस्टडी ऑफ दच अकूज इज लॉक्डअप इन पुलिस स्टेशन नॉट इन जेल दूसरा लिखा है जुडिशियल ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी द पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस इज नॉट अलाउड टू तो इंटेरोगेट सस्पेक्ट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कोर्ट तो देखो इसका आंसर जो है पहला स्टेटमेंट गलत है मैंने आपको पहले कई बार बताया कि जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि जेल में है बंदा ना कि पुलिस स्टेशन में है पुलिस स्टेशन में जब रहता है तो उसको बोलते हैं पुलिस रिमांड पी आर बोलते पुलिस रिमांड में बोलते हैं और वो पुलिस कस्टडी कहलाती है जुडिशियल कस्टडी नहीं कहलाती है जुडिशियल कस्टडी मतलब बंदा जेल में है दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है जुडिशियल कस्टडी के दौरान तो पुलिस इंटे, इंटेरोगेट नहीं कर सकती तो बिल्कुल नहीं कर सकती जेल में आपकी एंट्री ऐसे नहीं हो सकती जब तक कि आपके पास कोर्ट का को ऑर्डर ना हो प्रॉपर ठीक है ना तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आप कर सकते हैं इंटेरोगेट तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है पहला रॉन्ग है आंसर विल बी बी ठीक है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं जो जो मैं बता रहा हूँ केवल उतना पढ़ना है उसके अलावा पेपर को देखना भी नहीं है है ना एक एडिटोरियल हम देखेंगे स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक ब्लो विल ऑनली टाइट द लीश अब यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि बहुत सिंपल सा आर्टिकल है ठीक है ना अब ये देखो बहुत ज्यादा परमिंदर जीत सिंह ने आर्टिकल लिखा है तो बहुत ज्यादा वैसा आर्टिकल नहीं है कि बहुत नॉलेजेबल आर्टिकल है है ना क्योंकि इनको भी बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है जो टेक्निकलिटीज है लेकिन जो इन्होंने इशू उठाया है वो मैं आपको सिर्फ बता दूँ इस आर्टिकल में सिंपल सा ये है कि इंडिया ने एक ट्रेड पैक्ट से वॉकआउट कर दिया था वो ट्रेड पैक्ट कौन सा था आर रीजनल कॉम्प्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप उसमें आसियान की दस कंट्रीज थी प्लस चाइना जापान साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड था ठीक है ना ये पांच इधर हो गए और एक इंडिया पहले था सोलह थी फिर इंडिया हट गया तो पंद्रह बची ठीक है ना तो ये पांच कौन सी हैं चाइना जापान साउथ कोरिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अब इंडिया ने यहां से क्यों हटा था क्योंकि ऑब्वियस है एक तो चाइना उसमें था ट्रेड पैक्ट में दूसरा इंडिया को ट्रेड का इशू लग रहा था कि भाई ट्रेड में कहीं चाइना का सस्ता माल आने लगा तो हम तो किसी कहीं के नहीं रह जाएंगे तो चलो ठीक है आप हट गए लेकिन ऑथर ने कहा कि अब हमने एक से हट के दूसरे में जा रहे हैं दूसरा कौन सा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी जो है वो कौन ड्राइव कर रहा है वो यूएस ड्रिवेन है याद रखिएगा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी जो है वो यूएस ड्रिवेन प्रोग्राम म है जिसको यूएस ड्रिवे ड्राइव कर रहा है एंड ऑथर ने कहा है कि जो जो ये पैक्ट है इसमें भी ऐसा नहीं कि आप बहुत सेफ रहोगे हाँ हालांकि आपकी पॉलिसी ज़रूर है कि हम यूएस के साथ हमेशा ट्रेड पार्टनर के रूप में रहना चाहते हैं यूएस के साथ हम अपने रिलेशन और इम्प्रूव करना चाहते हैं बट एक्चुअली में जो ये अब हम पैक्ट देखेंगे तो इसकी लैंग्वेज इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि नॉर्मल उसको लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं तो ऑथर का पहला इशू ये कि जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है और इसको समझना और ये सब करना इसमें टाइम लगता है लेकिन इस पैक्ट के लिए टाइम भी नहीं दिया है उन्होंने कहा कि दो तक नव

तो ऑथर का वही कहना है कि जो लैंग्वेज है आई की है ना तो वो एक ट्रैप है दूसरा जो यू है यू अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है तो कहीं ऐसा ना हो कि हम उसके साथ फ्री ट्रेड के चक्कर में फंस जाएँ और फिर जाके हमको दिक्कत का सामना करना पड़े है ना तो दीज आर द टू इशूज विच हैजिन है ऑथर ने कहा है कि आई पी के चार पिलर्स हैं चार पिलर कौन कौन से है? ट्रेड सप्लाई चेन क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी याद रखेगा चेन सप्लाई चेन ट्रेड क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी अब ऑथर ने कहा है कि इंडिया ने क्या किया ट्रेड वाला पिलर तो नहीं ज्वाइन किया बाकी तीन पिलर ज्वाइन कर लिए हैं ठीक है ना लेकिन इंडिया के ऊपर प्रेशर है कि ट्रेड भी वो ज्वाइन करे और इंडिया अभी तो रिलेंट कर रहा है लेकिन कब तक करता है ये एक बड़ा बड़ा सवाल रहेगा ठीक है ना एंड लेकिन औसान ने कहा जो तीसरे जो बाकी के तीन पिलर हमने ज्वाइन किए हैं सप्लाई चेन क्लीन इकोनॉमी एंड फेयर इकोनॉमी वहाँ पे भी इशूज आ सकते हैं यूएस के अपने अलग नाटक रहते हैं यूएस फिर क्वालिटी कंट्रोल और ये सब बोलने लगता है कि आपके यहाँ की क्वालिटी अच्छी नहीं है आम अच्छे नहीं है ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है ना तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें फिर यू भी क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर कर सकता है और ये जो आई है आ, ये मतलब हो सकता है फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो तो ये ऑथर ने कहा इसको सोच समझ के ही ज्वाइन करने की बात कही है आगे देखते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिलेट्स तो यहाँ पे ऑथर ने मिलेट्स uh, के बारे में लिखा है आप सबको पता है कि यू एन फाओ जो है यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसने डिक्लेयर किया है 2023 को एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स तो डिक्लेयर कर दिया है ये आपको पता होना चाहिए मिलेट्स इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बात है सबसे बड़ा इनका एडवांटेज ये है कि इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई रहती है न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई रहती है प्लस इनको ये ड्रॉट रेजिस्टेंट रहते हैं प्लस इनको पानी बहुत कम चाहिए बहुत रगेड होते हैं तो बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती मिलट्स के लिए ऑल दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द मिलट्स ठीक है ना तो ये एडवांटेजेस हैं मिलेट्स आर फंडामेंटली ग्रासेस लेकिन याद रखेगा कि मिलेट्स आर फंडामेंटली ग्रासेस, ये ग्रासेस कैटेगरी में आती हैं दे आर कल्टिवेटेड वर्ल्ड वाइड बट स्पेशली इन द ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड एशिया याद रखिएगा इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का है ना इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिलेट का कुछ मिलेट्स की कैटेगरीज देखो पर्ल मिलेट बोलते हैं को एक बार्ड बार मिलेट होता है फिंगर मिलेट होता है फॉक्सटेल मिलेट होता है है ना दीज आर द टाइप्स ऑफ मिलट्स बहुत पहले से इंडिया में मिलेट्स ग्रो होते आ रहे हैं यात्रा का कहना है कि बहुत पहले से हो रहा है इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट अगर हम देखें 2021-22 का डेटा तो कंट्री काउंटेड बाई फॉर फोर्टी पॉइंट फाइव परोडक्शन एट परसेंट ऑफ द सोरघम प्रोडक्शन है ना एंड दीज आर द थिंग्स आर देयर आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल एंड ऑथर का ये कहना है कि सोरघम uh, जो होता है या एडले मिलेट होता है या टेफ होता है दीज आर ऑल ग्रासेज एंड दे डिफर इन सम रिस्पेक्ट फ्रॉम मिलेट्स बट आर ग्रुप टुगेदर विद देम तो ये ग्रासेज होती है लेकिन ग्रुप uh, होती है उन्हीं के साथ ठीक है ना मिलेट्स uh, में दो फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पहला न्यूट्रिशनल वैल्यू विच इज कम्पेरेबल टू दैट ऑफ द मेजर फूड क्रॉप्स एंड दूसरा जो है वो है एबिलिटी टू विद स्टैंड दे हार्श एंड रिसोर्स पुअर कंडीशन है ना तो हार्श और रिसोर्स पुअर कंडीशन को झेलने की जो ताकत है वो भी इंपॉर्टेंट है एंड दे आर ड्रॉट टॉलरेंट ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं दे आर टू ग्रोइंग इन वार्म वेदर दे रिक्वायर लो मॉइस्चर And these are the very important advantages of growing millets. Right हालाँकि ये बहुत ज़्यादा वाटर लॉक्ड और एक्सट्रीमली ड्राई सॉइल्स में भी नहीं ग्रो होता हैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक्सट्रीमली वाटर लॉक्ड सॉइल है तो उसमें अच्छा ग्रो करेंगे या एक्सट्रीमली ड्राई है तो उसमें ग्रो करेंगे नहीं ऐसा नहीं होता लेकिन हाँ माइल्ड चाहिए सब कुछ उनको बहुत ज़्यादा मात्रा में कुछ नहीं चाहिए तो एक ही इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ सारी चीज़ें ठीक है ना अब याद रखिएगा इसका जो मिलेट्स होते हैं इनमें एक ईच मिलेट कर्नल हैज़ थ्री मेजर पार्ट एक मिलेट कर्नल अगर हम उठाएंगे तो उसमें तीन मेजर पार्ट है पहला कहलाता है द पेरी पेरीकार्प दूसरा कहलाता है एंडोस्पर्म एंड तीसरा है जर्म ठीक है ना द पेरीकार्प हैज एन आउटर कवरिंग कॉल्ड हस्क जो पेरीकार्प है उसमें एक आउटर कवरिंग होती है उसको हस्क बोलते हैं हस्क एंड पेरीकार्प कार्प प्रोटेक्ट द दर्नल फ्रॉम इनहास्पिटेबल कंडीशन तो इसमें जो पेरीकार्प है और जो हस्क uh, है वो प्रोटेक्ट करती है कर्नल uh, uh, को फ्राम इनहापिटेबल कंडीशन डिसीजेज एंड फिजिकल डैमेज एंडोस्पर्म जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है कर्नल का एंड वो स्टोरेज सेंटर होता है याद रखेगा एंडोस्पर्म इज अ लार्जेस्ट पार्ट एंड यही स्टोरेज सेंटर भी है एंड इसकी प्रोटीन कवरिंग होती है उसको हम एल्यूरोन बोलते हैं याद रखेगा इसकी प्रोटीन कवरिंग को एल्यूरोन बोलते हैं ऑथर का ये कहना है कि क्या होता है कि हम जब मिलेट्स को प्रोसेसिंग करते हैं ना तो वो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स लूज कर लेता है प्रोसेसिंग के दौरान और पॉलिशिंग के दौरान तो ये ऑथर ने जरूर बताया कि प्रोसेसिंग और पॉलिशिंग uh, में जरूर इसके कुछ न्यूट्रेंट जाते हैं बट दैट इज द थिंग अब कल अगर आपने न्यूज़पेपर एनालिसिस दिया था तो मैंने देखा था तो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रियल डोनेशंस uh, के बारे में बताया था माइटोकॉन्ड्रियल ट्रीटमेंट के बारे में बताया था याद रखिएगा कई बार क्या होता है जो मदर होती है उसका माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव रहता है मदर का माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव मतलब कि मदर के जो जहाँ से एनर्जी निकल रही है वो डिफेक्टिव हो गया है ना तो क्या होता है कि इसमें इसमें एक नया कंसेप्ट आया था थ्री पेरेंट बेबी का थ्री पेरेंट बेबी क्या होता है कि एक एक यहाँ पर समझना ये ये तीन लोग इन्वॉल्व रहते हैं अब एक तो मदर और एक फादर होंगे ठीक है ना एक मदर और एक फादर होंगे और एक होता है डोनर ठीक है ना एक है मदर एक फादर एक डोनर हो गया अब मदर जो है इस ये जो मदर है एम इसका क्या डिफेक्टिव है मान लो ये इसका एक एक स्ट्रक्चर बना है तो इसका न्यूक्लियर डीएनए बीच में है ये न्यूक्लियर वाला पार्ट है बीच में है ना इसको तो थोड़ा लेट मी ड्रॉ इट इन अ मच बेटर वे इसको मैं थोड़ा और अच्छा बना सकता हूँ है ना तो ये मान लो ये मैंने ऐसे कर दिया गोला अब ये ऐसा क्या है न्यूक्लियर डी एन ए बाकी यहाँ पर मान लो समझ को सोच दो ये इसका माइटोकॉन्ड्रियल डी एन ए है अब इसका डिफेक्टिव कौन सा पार्ट है माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट ये डिफेक्टिव है तो अब हम एक डोनर लेंगे जिसका माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट डिफेक्टिव नहीं होगा और एक उसका न्यूक्लियर होगा है ना तो क्या करते हैं इसका ये न्यूक्लियस डी का हम न्यूक्लियस हटा देते हैं और एम का न्यूक्लियस इसमें डाल देते हैं ठीक है ना मदर का न्यूक्लियर जो डीएनए रहता है ताकि क्योंकि न्यूक्लियर के अंदर ही न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम रहते हैं जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं तो ये जो न्यूक्लियर डीएनए है ये न्यूक्लियर डीएनए है ये हम निकालते हैं और ये डोनर में डाल देते हैं तो अब ये जो डी बजा तो ये डी क्या हो गया डी के अंदर एम के न्यूक्लियर डी आ गए और अब हम ये जो एग सेल है इसको स्पॉम इस के साथ जो फादर का स्पॉम्प है उसके साथ हम क्या करेंगे उसके साथ हम उसको मतलब वो कराए यूनियन करवाएंगे तो उससे फिर जायगॉट फॉर्मेशन होगा तो कुल मिलाकर के थ्री पेरेंट वे भी यही कंसेप्ट है अच्छा याद रखेगा माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज केवल और केवल मदर से पास होती हैं ये इंपॉर्टेंट चीज है यूपीएससी पूछेगा तो भी याद रखेगा माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेज आर ओनली पासड ऑन बाय द मदर याद रखिए दे आर ओनली पासड ऑन बाय द मदर एंड दिस इज अ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल Uh, क्या ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स हैं तो ऑथर ने वही कहते देखो कई बार हो सकता है कि प्रॉब्लम रह जाए थोड़े बहुत ऐसे डिफेक्टेड uh, एरर वाले uh, वो भी ट्रांसफर हो जाते हैं लेकिन वो दैट इज अ थिंग दैट दैट कम्स विद दैट है ना तो वो तो उसी के साथ आ रही है चीज़ तो उसमें कुछ नहीं कर सकते uh, यहाँ पे है साइक्लोन मोका हैज़ मेड द लैंडफॉल लैंडफॉल मतलब कि वहाँ पे जहाँ पे वो लैंड पे आ जाता है और बारिश का रात करता है वही लैंडफॉल होता है अब यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कंडीशंस देख लीजिए लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर चाहिए हायर देन 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंस ऑफ कॉरियोलिस फोर्स इनफ टू तो क्रिएट अ साइक्लोनिक वॉटेक्स मतलब एक कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए देन स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड वर्टिकल विंड स्पीड में वे वेरिएशन कम होने चाहिए प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होना चाहिए एंड अपर डायवर्जेंस होना चाहिए सी लेवल के ऊपर अपर डायवर्जेंसेंस होना चाहिए कंडीशन से विचार दे आर फॉर द ट्रॉपिकल साइक्लो सो दट इज इट फॉर द डे फ्रेंस आई होप लैर वीडियो प्लीज लेक्स एंड सब्सक्राइब कीप लविंग एस की नाइस डे